समझौता करके सभी लोगों को काफी हैरान किया था, क्योंकि आमतौर पर बसपा गठबंधन से दूर ही रहती नजर आई है। इस गठबंधन की जहां काफी चर्चा हो रही है, तो वहीं अब बाकी दल भी दूसरे राज्यों में बसपा का साथ पाने के लिए मेहनत करने में जुटे हुए हैं। इस साल के आखिरी में छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव में भी एक प्रमुख पार्टी बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करना चाहती है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। इस बारे में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा कि बसपा के नेता और कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई है, साथ में चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। हालांकि इस बारे में दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा, लेकिन स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता द्वारा बसपा के नेता और कार्यकर्ता से चर्चा हुई है, साथ में चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। भाजपा को रोकने के लिए इस गठबंधन को जरूरी बताया जा रहा है। असल में कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में लगातार हार का सामना करती आ रही है। प्रदेश में दलितों के बीच बहुजन समाज पार्टी काफी लोकप्रिय है और बसपा भी दलित वोटों को हासिल करने में सफल रही है। यही वजह है कि तीन बार से हार झेलने वाली कांग्रेस पार्टी इस बार जीत के लिए हर दांव लगाने के लिए तैयार है। ये देखना अब भी बाकी है कि क्या दोनों पार्टियों का आपस में गठबंधन होगा, या फिर पिछले तीन साल की तरह कांग्रेस को इस बार भी हार का ही सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन टाइम्स।